हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना। वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है इंग्लिश विलेजेस का पार्ट टू। तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले कॉट्सवोल्ड एरिया के एक और गांव जिसका नाम है बर्टन ऑन द वाटर। तो चलिए चलते हैं। और ये जो गांव है ये रिवर रश के ऊपर बसा हुआ है, यानी गांव के बीच से नदी बिल्कुल बीच से बहती हुई दिख रही है आपको। और बहुत ही सुंदर सा एक व्यू, पानी एकदम साफ, एकदम नीचे पानी के नीचे भी दिख रहा है कि कितना साफ ये पानी है। और बहुत ही इंजॉयबल ये जगह है। बहुत ही सुंदर सा एक व्यू और इतनी ही ताजगी वाली हवा, शहर से इतना दूर गांव में इतनी सुंदर सी एक जगह। चलते हैं आगे। और अब हम हैं जिस गांव में, उसका नाम है लोअर स्लॉटर। ये भी कॉट्सवॉल्ड एरिया में ही है। करीबन 1000 साल पुराना ये गांव है। यहाँ भी देखिए गांव के बीच से ही नदी बह रही है। और इस जगह का नाम स्लॉटर है, इसे ये मत समझिएगा कि यहाँ पहले कोई कसाई खाना था, बिल्कुल भी नहीं। इस जगह का नाम स्लॉ मतलब वेट लैंड की वजह से पड़ गया है। स्लो मतलब वेटलैंड। तो अभी तो वेटलैंड जैसा कुछ भी नहीं है, जब नाम पड़ा था तब था काफी वेटलैंड। और आप देखिए कितनी ही सुंदर जगह, कितना ही सुंदर व्यू, जिस कल्पना के बाहर इसकी सुंदरता है। और अगर आपने कभी वाटर मिल देखा नहीं है तो आप यहाँ देखिए, ये है 19th सेंचुरी का वाटर मिल जो कि गांव में एडिशनल पावर सप्लाई का काम करती है। देखिए यहाँ एक टावर भी है और ये नदी, नदी का ही पानी बह रहा है। कितना ही सुंदर सा नजारा है। और मेरे बेटे को काफ़ी ये जगह बहुत ही पसंद आ गई है क्योंकि यहाँ पानी है और वो फुल अपनी मस्ती में पानी को एंजॉय कर रहा है। और अब हम हैं अपर स्लॉटर में जो कि लोअर स्लॉटर का ही एक ट्विन गांव है। और ये दोनों गांव के बीच से ही रिवर आई बहती है। और एक चीज आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये है डिफिब्रिलेटर। ये एक शॉक देने वाली मशीन है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो
पेशेंट्स को शॉक देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। तो आप सोचिए, एक दूर से गांव में एक ऐसी मशीन जहां हो सकता है एम्बुलेंस को आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी गहरी सोच कि यहीं पे एक मशीन लगवा दिया जाए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। हाँ, और ये जो आपस लॉटर को डबल थैंकफुल विलेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन में जितने भी लोग युद्ध लड़ने गए थे वो सभी सही सलामत वापस आ गए, तो इसी वजह से ये डबल थैंकफुल, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में कोई भी हताहत नहीं हुआ इसके वजह से डबल थैंकफुल। और मेरे बेटे को फिर से पानी मिल गया है, तो वो अपने इस मौके को फुल यूटिलाइज कर रहा है, फुल यूज कर रहा है। चलिए, स्लॉटर के बाद आगे चलते हैं, और अब हम हैं स्टोव ऑन द वोल्ट में, और ये भी कॉट्सवोल्ड का ही एरिया है, लेकिन कॉट्सवोल्ड का एरिया जो कि ग्लौकेस्टर शाया में पड़ता है। और ये है सेंट एडवर्ड्स चर्च, और आप इसका ये एंट्रेंस देख सकते हैं, और इस एंट्रेंस की वजह से ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइटर जे आर आर टॉल्किन को ने अपनी काफ़ी बुक्स में काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। इसी के साथ ही मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। आपको कौन सा गांव सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और मेरे इस चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।